भारत माता की। अरे भाई थुनाग वाले ऐसे बोलेंगे क्या? ऐसे बोलेंगे? देखिए मोदी जी दिल्ली में है आज, इतनी जोर से जयकारा लगाइए कि मोदी जी को मालूम पड़ना चाहिए थुनाग के अंदर जयराम ठाकुर जी को जिताने के लिए भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। लगाएंगे जोर से नारा मेरे साथ, दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी भींचिए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित यहाँ के लोकप्रिय विधायक और हिमाचल प्रदेश के दिग्गज नेता श्रीमान जयराम ठाकुर जी, मेरे साथ आए हुए प्रदेश के उपाध्यक्ष और प्रदेश के प्रवक्ता श्रीमान गणेश जी, मंडी के जिला अध्यक्ष श्रीमान रणवीर सिंह जी, जिले के महासचिव श्री रजनी ठाकुर जी, श्री प्रियव्रत शर्मा जी, श्री गुलजारी लाल जी, श्री पीताम्बर जी, श्री शेर सिंह जी, श्रीमती सुमन ठाकुर जी, और आज इतनी बड़ी संख्या में थुनाग की पहाड़ियों पर भी बैठे हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे दिल की धड़कन ऐसे युवा दोस्तों, मित्रों, जब मुझे कहा गया पार्टी की ओर से कि मुझे सिराज विधानसभा में जाना है, साथ में ये भी कहा गया कि जयराम ठाकुर जी की जीत निश्चित है, मुझे लगा कि भाई जीत निश्चित है तो मुझे वहां क्यों भेज रहे, कोई ऐसी सीट पर भेजे जहां जाने से फायदा हो। मगर पार्टी ने कहा था, मैं तो पार्टी का सिपाही हूं, प्रदेश यूनिट ने कहा यहां चले जाइए, यहां आया गया। मगर यहां आकर ऊपर पहाड़ियों से जब आप लोगों को देखता था, दूर सुदूर एक बिल्डिंग पर बैठी हुई बच्चियों को देखता था, पहाड़ियों पर खड़े हुए लोगों को देखता था, मुझे लगा अच्छा हो गया, थुनाग आया, वरना आप लोगों के दर्शन का मौका मुझे नहीं मिलता। मैं आज थुनाग वासियों को मन से बताना चाहता हूं कि पार्टी के अध्यक्ष नाते विगत 3.5 सालों में बहुत सारी रैलियां करी है, मैदान के मैदान भर जाए, इतनी बड़ी रैलियां की है, लाखों की संख्या में लोग हो, ऐसी रैलियां उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में, बिहार जैसे बड़े राज्यों में करी है, मगर आज सिराज के छोटे से थुनाग के अंदर में जो प्यार देख रहा हूं, मैंने कहीं नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए और हमारे प्रत्याशी जयराम जी के लिए आपके मन में जो प्यार है, उसको मैं पार्टी की ओर से दो हाथ जोड़कर नमन करना चाहता हूं। मित्रों, मैं विगत 3 दिन से हिमाचल के अंदर घूम रहा हूं, लगभग 11 विधानसभाओं में जाना हुआ, आज एक और विधानसभा में जाऊंगा। मैं जब दिल्ली से आया तब मैं कहता था कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की लहर है, मगर थुनाग की ये सभा देखकर
पहाड़ियों पर, मकानों पर, चोटियों पर जो भाई बहन खड़े हैं उनको देखकर कहता हूं, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की लहर नहीं है, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सुनामी आने वाली है। और मित्रों, जब सुनामी आती है कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है। और इस बार मैं हिमाचल वासियों को एक और अपील करना चाहता हूं कि विगत 25 साल से हिमाचल वासी, ये देवभूमि के वासी, वीर भूमि के वासी एक के बाद एक सरकार बनाते हैं। 5 साल में भाजपा को मौका दिया, उसके बाद 5 साल कांग्रेस को मौका दिया, उसके बाद 5 साल फिर भाजपा, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस। मैं इस बार हिमाचल वासियों को निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार इतनी बड़ी बहुमत की सरकार बनाइए कि 20 साल तक हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस का जो दौर चला है उसने हिमाचल के विकास को रोक कर रखा है। मित्रों, एक बात बताइए मुझे, बच्चे बलून को हवा भरते हैं, बलून में देखा है ना आपने, हवा भरकर उसको बड़ा बनाते हैं। अगर एक बच्चा बलून में हवा भरे और दूसरा बच्चा निकाले तो बलून कभी बड़ा हो सकता है क्या? बताइए, हो सकता है? तो ये भाजपा जब आती है तब हिमाचल विकास के रास्ते पे चल पड़ता है। विकास की हवा हिमाचल के बलून के अंदर भाजपा भरने का भरसक प्रयास करती है। अगले 5 साल में कांग्रेस आकर भ्रष्टाचार का छेद कर हवा निकालने का काम कर देती है। मगर इस बार एक ऐसी सरकार बनाइए कि 20 साल तक कांग्रेसियों को स्वप्न न आए कि हिमाचल के अंदर हमारी सरकार कभी बन सकती है। 3/4 बहुमत से सरकार बनाने का काम इस बार हिमाचल की जनता ने करना चाहिए। अभी अभी राहुल बाबा आए थे। अरे भाई, क्यों हंस रहे हो आप? हम कहां हंस रहे हो? मैं इतना कहता हूं, वो हिमाचल में आए थे। अब उन्होंने कहा कि यहां पर फिर से एक बार हिमाचल की में कांग्रेस सरकार बनेगी। मैं उनको कहना चाहता हूं, राहुल बाबा, 2014 के बाद जितने चुनाव हुए वो सारे के सारे याद कर दीजिए। सबसे पहले महाराष्ट्र में हुआ, कांग्रेस थी भाजपा आई। हरियाणा में हुआ, कांग्रेस थी भाजपा आई। झारखंड में हुआ, कांग्रेस थी भाजपा आई। जम्मू कश्मीर में हुआ, कांग्रेस थी भाजपा आई। असम में हुआ, कांग्रेस थी भाजपा आई। उत्तराखंड में हुआ, कांग्रेस थी भाजपा आई। उत्तर प्रदेश में हुआ, आपके साथी सपा वाले थे, भाजपा आई। गोवा में भी भाजपा आई, मणिपुर में भी भाजपा आई। और राहुल बाबा, दीवार पर लिख दीजिए, हिमाचल में भी भाजपा आ रही है। 2014 से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का विजय रथ घूमते 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 अब हिमाचल और सिराज में आकर यहाँ पर आज खड़ा हो गया है। मित्रों, ये मोदी जी का विजय रथ पूरे देश भर में घूमता है, विजय प्राप्त करता है। पहले बड़े विजय के लिए मानदंड था 2/3 बहुमत। मोदी जी के नेतृत्व में बड़े विजय के लिए मानांक हो गया है 3/4 बहुमत का। मानांक करने का काम नरेंद्र मोदी जी के, और इसका कारण है
जो सरकार आपके आशीर्वाद से केंद्र के अंदर बनी, दिल्ली के अंदर बनी, वो नरेंद्र मोदी सरकार ने तीन साल के अंदर देश का स्थान, देश का गौरव दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, अभी अभी राहुल बाबा गुजरात में है, आज ही गुजरात में है और पूछते थे गुजरात में इतने सालों से भाजपा की सरकार है, तीन साल से केंद्र में सरकार है, क्या विकास हुआ? राहुल बाबा, हमें तो तीन ही साल हुए हैं, आप हमारा हिसाब मानते हो? आपने तीन पीढ़ी तक देश पर राज किया, मैं आपको पूछना चाहता हूं कांग्रेस ने क्या किया? जब मोदी जी ने शासन लिया, देश के 60 करोड़ लोगों के घर में बैंक अकाउंट नहीं था, मोदी जी ने 30 करोड़ घरों में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम किया है। राहुल बाबा, आप ऐसा भारत छोड़कर गए, आप ऐसा भारत छोड़कर गए थे जहां 10,000 गांवों में बिजली नहीं थी, बिजली का तार भी नहीं पहुंचा था। मोदी जी ने तय किया है मई तक इस सारे गांव में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया जाएगा और 70% गांव में बिजली पहुंचा दी। आप ऐसा भारत छोड़कर गए थे, आप ऐसा भारत छोड़कर गए थे जिसमें 7 करोड़ माताओं के घर में गैस का चूल्हा नहीं था, उसमें 2 करोड़ गरीब माताओं को गैस का चूल्हा देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया। आप ऐसा भारत छोड़कर गए थे जहां पर करोड़ों भारतवासियों के घर में शौचालय नहीं था, मोदी जी ने 4.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाने का काम ये 3 साल के अंदर समाप्त कर भारत की माताओं और बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। राहुल बाबा, आप हमारा विकास का हिसाब मांगते हो? मैं अभी अभी अमेठी गया था, अमेठी, अभी योगी जी की सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, अमेठी में तीन पीढ़ी से गांधी परिवार के लोग संसद सदस्य बनते हैं, तीन पीढ़ी से। जरा जोर से बोलिए, भाई कितनी पीढ़ी से बनते हैं? तीन पीढ़ी के बाद भी, आजादी के 70 साल के बाद भी अमेठी में कलेक्टर का दफ्तर नहीं था, उसका भूमि पूजन मैं करके आया हूं। अरे हमसे हिसाब मांगते हैं, विकास का हिसाब मांगते हैं। अरे राहुल बाबा, हिसाब तो हिमाचल की जनता मांगती है, वीरभद्र जी के भ्रष्टाचार का हिसाब मांगती है, हमारी गुड़िया की जान चली गई उसका हिसाब मांगती है, उसका हिसाब। आपका शासन था यहाँ, आपका यहाँ शासन था, 14 साल की मासूम गुड़िया जिसको अभी स्वप्न देखना भी बाकी था, पढ़ाई लिखाई कर कलेक्टर आईपीएस डीडीओ बनने के स्वप्न देखती थी वो बच्ची, उस पर बेरहम दरिंदों ने बलात्कार किया और मौत के घाट उतार दिया। भाजपा वालों ने बहुत हाई को बढ़ा, विरोध किया, जुलूस निकले, मगर वीरभद्र जी के माथे पर चू नहीं गई। एसआईटी बनाई, एसआईटी बनाने का नाटक किया और उसके बाद में जब जांच सीबीआई में गई तो रक्षक ही भक्षक पाए गए। आईजी कक्षा का एक अधिकारी आज जेल में बंद हुआ पड़ा। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, शर्म आनी चाहिए यहां के मुख्यमंत्री को,
हिमाचल की माताएं बहनें बेटियां आज आपसे हिसाब मांग रहे हैं। आज आप हमसे क्या हिसाब मांगते हैं? वन माफिया, ड्रग माफिया, ट्रांसफर माफिया, शराब माफिया, ये देवभूमि को आपने माफियाओं के हवाले कर दिया है। मित्रों, हिसाब तो मैं दूंगा, मगर मैं पहले हिसाब पूछना चाहता। गुड़िया को कोई मौत के घाट उतार देता है, कोई अजमेर सिंह को, होशियार सिंह को मारकर पेड़ पर टांग देता है, किस प्रकार की देवभूमि बनाई आपने? ये शांत प्रदेश कहलाने वाला हमारा हिमाचल आज गुनाह की तालिका में जो 30 के 29 30 29 30 रहता था, 17वें नंबर पर जाकर ठहर गया। इसका हिसाब हिमाचल की जनता का। और आप हमें पूछते हो, मैं आपको पूछना चाहता हूं राहुल बाबा, कि हिमाचल के विकास के लिए आपने क्या किया? आपकी सरकार ने तब क्या किया? और हमारे 3 साल का आप हिसाब मांगते हो? मित्रों, हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, राहुल भाई हिसाब मांगते हैं, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए बताओ, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? भाई वो भले 5 साल के पहले मांगे, मगर मोदी जी से हिसाब मांगते हैं। मैं आज यहां पर आया हूं सिराज में, मैं हिसाब देकर जाऊंगा। हम भाजपा वाले जब भी चुनाव में जाते हैं मुंह छुपा कर नहीं फिरते हैं, सीना तान कर जनता के सामने पाई पाई और पल पल का हिसाब देते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं हिमाचल की जनता को, कांग्रेस पार्टी हमारा हिसाब मांग रही है। मैं बताना चाहता हूं 3 साल के अंदर मोदी जी ने हिमाचल के लिए क्या किया है। और इसलिए किया है मित्रों कि मोदी जी हिमाचल को मन से प्यार करते हैं। यहां के संगठन को करने के लिए, यहां के संगठन को मजबूत करने के लिए मोदी जी ने बहुत समय लगाया है। हिमाचल वासियों के बीच में कई बार मोदी जी रहे हैं। जब भारत में भाजपा की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी सरकार बनी, हिमाचल की जनता के आशीर्वाद से सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार 10 साल तक चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली, 13वां वित्त आयोग था हिमाचल प्रदेश में, 13वें वित्त आयोग में क्या मिला? केंद्रीय करों में हिमाचल का हिस्सा था 11,131 करोड़ रुपया। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बोलता हूं, कांग्रेस के शासन में हिमाचल का हिस्सा था 11,131 करोड़ रुपया, और मोदी जी की सरकार आई, 14वां वित्त आयोग बना, मोदी जी ने 11,131 से बढ़ाकर कर दिया 28,225 करोड़ रुपया। चार गुना बढ़ोतरी करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। अनुदान सहायता के अंदर पहले 10,454 करोड़ रुपया मिला करते थे, 10,454, मोदी जी ने 10,454 को बढ़ाकर 43,810 करोड़ करने का काम किया है। मित्रों, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पहले 7,890 करोड़ रुपया थी, अब उसको बढ़ाकर 40,625 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। इसी प्रकार से आपदा प्रतिक्रिया निधि भी बढ़ाई, लोकल बॉडीज ग्रांट भी बढ़ाई, और इस सब का कुल योग हो तो जरा कांग्रेस वाले कान सुन खोल कर सुन ले, इस सब का कुल योग हो तो आपके समय में हिमाचल प्रदेश को मिलते थे 44,235 करोड़ रुपया। जरा बोलिए कितने मिलते थे? 44,235 करोड़ रुपया। और अब मोदी जी के समय में 44,235 करोड़ से बढ़कर मिलता है 1,15,846 करोड़ रुपया।
अब 71,000 करोड़ रुपया बढ़ा है मित्रों। कितना बढ़ा है जरा याद से बोलिए आंकड़ा। आपके गांव में कुछ आया है? कुछ नहीं मिला। आया है? क्यों नहीं आया है भाई? कहाँ गया? कहाँ गया? मैं बताता हूँ बाद में कहाँ गया। मित्रों बात यहाँ से नहीं हटती। 60,000 करोड़ रुपया 4,000 किलोमीटर लंबे रोड्स के लिए दिया, जिसका डीपीआर भी वीरभद्र सरकार नहीं बना पाई। स्मार्ट सिटी के लिए 188 करोड़ रुपया, अमृत मिशन के लिए 274 करोड़ रुपया, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए 164 करोड़ रुपया, हिमालयन सर्किट पर्यटन के लिए 100 करोड़ रुपया, एम्स के लिए 1,000 करोड़ रुपया, 3 मेडिकल कॉलेज के लिए 570 करोड़ रुपया और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए 730 करोड़ रुपया। इसके साथ IIMB देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। मित्रों ये सारी बातें ना राहुल जी बोलते हैं ना वीरभद्र जी बोलते हैं, और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने मित्रों बहुत सारी योजनाएं भी शुरू करी है। बहुत सारी योजनाएं, ये योजनाएं राहुल जी नहीं गिनाएंगे, वीरभद्र जी नहीं गिनाएंगे, मगर हिसाब मांगा है भारतीय जनता पार्टी से। मैं हिसाब देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 साल के अंदर 106 योजनाओं को चालू करने का काम किया है मित्रों। 106 योजनाओं, मैं जोर से नाम पढ़ता हूं, सूची लंबी है, मगर आपको लगे मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं तो जब लगे तब ताली बजाकर रोक लेना। मैं पढ़ू जोर से? पढ़ू जोर से? देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, आदर ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, टॉयलेट कार्ड, कृषि बाजार, डिजिटल इंडिया। भाई अभी तो 11 ही हुए हैं, मगर आप हिमाचल वासी खुश मत हो जाना भाई। 106 योजनाएं बाकी देश के लिए है, जहां भाजपा की सरकार है ये वीरभद्र सरकार ये योजनाओं को आप तक पहुंचने ही नहीं देती है। उनको डर है, उनको डर है कि अगर सरकार वीरभद्र सरकार को डर है कि मोदी जी हिमाचल में लोकप्रिय हो जाएंगे। मित्रों ये सारी योजनाएं कांग्रेस की सरकार नीचे नहीं पहुंचने दी। मैं आपको ये बताने आया हूं कि सरकार चुनिए जो सरकार मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाए, और मोदी जी और धूमल जी की जोड़ी हिमाचल को नंबर 1 बनाए, नंबर 1 बनाए। मित्रों ये कांग्रेस सरकार हिमाचल का भला नहीं कर सकती, देवभूमि का भला नहीं कर सकती। मैं आपको कहना चाहता हूं, जरा ऊपर देखिए, बड़े बड़े 3 फेज बिजली के तार जाते हैं ऊपर, वायर जाते हैं, देखा? उसमें से सीधी बिजली आपके घर में आ सकती है क्या, बताइए? घर के सामने एक मीटर लगाना पड़ेगा ना, ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ेगा ना, वहां से सीधी आएगी क्या? ये नरेंद्र मोदी सरकार एक तार है, बिजली है, 3 फेज बिजली, सीधी हिमाचल में नहीं आ सकती। हिमाचल सरकार ट्रांसफॉर्मर है, मगर हिमाचल सरकार जो ट्रांसफॉर्मर है वो जल चुका है। अब ट्रांसफॉर्मर जल जाता है तो क्या करते हैं बताओ भैया, जरा जोर से बोलो, ट्रांसफॉर्मर जल जाए तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? उखाड़ कर फेंक दीजिए कांग्रेस की सरकार को और कमल की सरकार बनाइए, तभी जाकर हिमाचल का विकास हो सकता है। मित्रों ये वीर भूमि के जवान 50 साल से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करते थे, कांग्रेस ने इसको नहीं सुना। मोदी जी की सरकार आई, एक ही साल में 1 रैंक 1 पेंशन का मामला हल कर दिया। 8,000 करोड़ रुपया जवानों के बैंक अकाउंट में सीधा जाता है मित्रों, 8,000 करोड़ रुपया।
और यहाँ तो जयराम जी लड़ रहे हैं। चार बार आपने चुनाव जिताया है, तीन बार विधायक बनाकर भेजा है, एक बार मंत्री बने थे। इस बार जयराम जी को शिमला भेज दीजिए, ये बहुत बड़े व्यक्ति बनने वाले हैं। ऊपर वाले नहीं बोलते हैं, दबाओगे?
जी को विधायक बनाओगे, धूमल जी को मुख्यमंत्री बनाओगे, भाई नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करोगे, 3/4 बहुमत से भाजपा सरकार बनाओगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बीन कर विजय के संकल्प के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।